दोस्तों आज मैं आपको अलाइट मोशन से भोलेनाथ का मस्त वाला एक स्टेटस बनाना सिखाऊंगा। चलिए यहाँ पे अलाइट मोशन को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हम प्लस पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे सबसे पहले साइज ले लेंगे। तो 4:5 का यहाँ पे साइज मैंने लिया है और रेजोल्यूशन 1440 फुल HD पे रखा है और 30 फ्रेम रेट को रखा है और बैकग्राउंड ब्लैक रखा है। क्रिएट प्रोजेक्ट पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले प्लस पे क्लिक करेंगे और इमेज एंड वीडियो पे क्लिक करेंगे। और सबसे पहले मैं यहाँ पे भोलेनाथ जी की फोटो लेकर आता हूँ, ये लीजिए, और इसको 3 डॉट पे क्लिक करके फुल स्क्रीन कर लेंगे तो ये हमारी फुल स्क्रीन हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे हम जो है इसको जूम इन कर लेंगे इस तरीके से इसकी लेयर को, ये हमारी लेयर है। और इसकी टाइमिंग मैं बढ़ा देता हूँ तो हमारा जो स्टेटस होने वाला है यहाँ पे भोलेनाथ जी का वो 26 सेकेंड तक होने वाला है, तो इसको मैं यहाँ पे 28 हो चुका है, थोड़ा कम कर देंगे इसको, ये 25, ठीक है। और अब हम यहाँ पे फिर से प्लस पे क्लिक करेंगे, इमेज एंड वीडियो पे यहाँ पे दूसरी इमेज लेके आएंगे, ये वाली, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, फिल स्क्रीन कर लेंगे तो ये बराबर हमारे पूरे स्क्रीन पे आ गया है। अब यहाँ पे हम इस इमेज पे अपनी क्लिक करके यहाँ पे लास्ट में जाएंगे और दोनों को बराबर कर देंगे, ये देखिए दोनों बराबर हो चुकी है। अब हम यहाँ पे फर्स्ट वाली इमेज पे क्लिक करेंगे और मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे और थर्ड वाले इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले एक स्टार्टिंग में की देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम प्ले करेंगे और इसको हम इस तरीके से करेंगे, ठीक है, इस तरीके से, ये देखिए ये हो चुका है। एंड अभी हम आपको दिखाते हैं प्ले करके इसमें, ये देखिए, तो इस तरीके से आपको करना है। अब दोस्तों हम यहाँ पे सेकंड वाली भोलेनाथ जी की फ़ोटो पे क्लिक करेंगे, इफेक्ट पे हम क्लिक करेंगे और ऐड इफेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्रोसीड्यूरल इस पे हम क्लिक करेंगे और लेंस फ्लेयर वाला ये इफेक्ट हम यहाँ पे स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे भोलेनाथ जी की फ़ोटो के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे और थोड़ा आगे जाएंगे और सबसे पहले हम इस सन को यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसका साइज़ छोटा कर लेता हूँ, रेडियस पे हम यहाँ पे कम करेंगे रेडियस को, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हम इस तरीके से कर लेते हैं और थोड़ा नीचे जाएंगे तो इसके पॉइंट को मैं बढ़ा देता हूँ, तो काफ़ी ऑसम हमारा सन हो चुका है, ये देखिए। और इसके बाद हम यहाँ पे जो है इसकी पोजीशन थोड़ा वाई पे क्लिक करेंगे, उसकी पोजीशन हम थोड़ा कम कर देंगे तो ये ऊपर चले जाएगा, ये देखिए सन इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे अब हम यहाँ पे दोस्तों एक की हम यहाँ पे एंड में देंगे, ठीक है, और एक की हम यहाँ पे स्टार्टिंग में देंगे, ठीक है। और दोस्तों अब हम यहाँ पे एक की यहाँ पे हम जो है पहले हम इस सन को यहाँ पे हाइड कर लेते हैं यहाँ पे पहाड़ के पीछे, ये देखिए। अब हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, ये एक की हम यहाँ पे देंगे और अब मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से कर लेता हूँ, ठीक है, ये देखिए। तो अभी मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ, ये देखिए, इस तरीके से आपको यहाँ पे इसको अप्लाई करना है यहाँ पे। और अब हम मैं इसके ऊपर जो है यहाँ पे टेक्स्ट को ऐड करता हूँ, ठीक है, जो हमारे लिरिक्स है सॉन्ग, तो पहले मैं यहाँ पे सॉन्ग को ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पे हम प्लस पे क्लिक करेंगे और ऑडियो पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक करके जो हमारे सारे मोबाइल के सॉन्ग है तो मैं यहाँ पे जो है नमो नमो शंकरा ये वाला सॉन्ग यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ और ये मैंने ऐड कर दिया है। और यहाँ पे हम जो है इसको यहाँ पे ट्रिम कर लेते हैं एंड में, इतना यहाँ पे हम ट्रिम कर लेंगे, तो यहाँ से हम ट्रिम कर दिया मैंने, बराबर हो चुका है हमारा, फ़ोटो के साथ हमारा सॉन्ग भी ऐड हो चुका है। अब दोस्तों हम अपने इस सॉन्ग के ऊपर जो है लिरिक्स को ऐड करेंगे सॉन्ग के साथ साथ में और यहाँ पे हम पहले अपना फर्स्ट लिरिक्स सुन लेते हैं, तो हमारा यहाँ तक है तो फर्स्ट लिरिक्स को मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। प्लस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे टेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं लिरिक्स ऐड कर लेता हूँ, तो यहाँ पे है फर्स्ट जो लिरिक्स है तेरे सामने, ये हमारा फर्स्ट लिरिक्स। और यहाँ पे मैं फॉन्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हम जो है इस वाले फॉन्ट को ले लेते हैं। यहाँ पे आप चाहे तो व्यू ऑल पे क्लिक करके यहाँ से ढेर सारे फॉन्ट आपको मिल जाएंगे, यहाँ से किसी को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसका मैं यहाँ से साइज़ बढ़ा देता हूँ और इसको हम यहाँ पे लेके जाएंगे और इसका कलर यहाँ से हम वाइट कर लेंगे इस तरीके से और इसको हम यहाँ पे इतना रख देते हैं और हल्का और हम यहाँ पे इसका साइज़ बढ़ा देंगे, ठीक है, इतना ठीक है। और इसको यहाँ पे सेट कर देंगे यहाँ पे इस तरीके से, ये हो चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों हम इस टेक्स्ट के ऊपर यहाँ पे हम जो है मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे और फर्स्ट की मैं स्टार्टिंग में यहाँ पे एक देऊँगा और एक की हम यहाँ पे बीच सेंटर में देंगे, ठीक है, यहाँ पे, और एक सबसे लास्ट में यहाँ पे देना है यहाँ पे।
और अब मैं यहाँ पे स्टार्टिंग वाले की पे यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे हम अपने इस टेक्स्ट को यहाँ पे लेके जाएंगे इस तरीके से लेफ़्ट की तरफ, थोड़ा आगे जाएंगे और सबसे एंड वाली की पे हम यहाँ पे जो है इस टेक्स्ट को हम यहाँ पे राइट की तरफ लेके जाएंगे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। और अब हम यहाँ पे जो है दोनों ये दो जो की है इसके बीच में जो है कर्व का ये जो टूल्स है इसको हम यहाँ पे ऊपर इस तरीके से करेंगे और थोड़ा आगे जाके यहाँ पे बीच में कर्व को नीचे करेंगे इस तरीके से, ठीक है, दोनों इस तरीके से करना है। अभी आप देखेंगे यहाँ पे तो कुछ इस तरीके से काफ़ी स्मूथ तरीके से हमारा ये टेक्स्ट आ चुका है। अब दोस्तों हम इस टेक्स्ट के ऊपर जो है इफेक्ट का यूज़ करेंगे, तो हम बैक हो जाते हैं और यहाँ पे इफेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड इफेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे वेब, यहाँ पे वेब रैप आ गए, इस पर हम क्लिक करेंगे, स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फर्स्ट हम स्टार्टिंग में जाएंगे, एक की यहाँ पे देंगे और एक की हम यहाँ पे एंड में देंगे, ठीक है, यहाँ पे। और अब हम यहाँ पे बीच में आएंगे और बीच में आके हम जो है यहाँ पे क्या करना, हमें थोड़ा इसका फेस हम बढ़ा देंगे, इसका फेस हमें 120 तक ले जाना है, यहाँ पे 119-120 इतना काफ़ी है और इसके एंगल को छेड़ना नहीं है। स्पेसिंग इसकी थोड़ा हम यहाँ पे बढ़ा देंगे, ठीक है, तो इसे कम भी कर सकते हैं आप, तो देखना है किस तरीके से टेक्स्ट लगता है हमारा, तो ये कम पे सही हो रहा है, अच्छा लग रहा है, इतना ठीक है। और थोड़ा इसका मैग्नीट्यूड को हम थोड़ा इसका कम कर देंगे, ठीक है, इतना। और इसका जो रैप एंगल है इसको भी हम थोड़ा कम कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से ये हो चुका है। एंड अभी हम प्ले करके देखते हैं, तेरे सामने, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। अब हम जो है फर्स्ट हमने पे लिरिक्स बना दिया है, अब इसी लिरिक्स को हम यहाँ पे कॉपी करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो इस पे क्लिक करना है, यहाँ पे हमें क्लिक करना है और कॉपी लेयर पे क्लिक करना है और थोड़ा आगे जाके जहाँ पे भी हमारा सेकंड लेयर है वहाँ पे जाके यहाँ पे क्लिक करना है, पेस्ट लेयर पे क्लिक करेंगे और इसी तरीके से इस पे क्लिक करेंगे इस लिरिक्स पे और यहाँ पे एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहीं पे हम जो है इसको एडिट कर देंगे, ठीक है। तो दूसरा हम यहाँ पे लिरिक्स को ऐड कर देते हैं, यहाँ पर दोस्तों मैंने सारे टेक्स्ट लिरिक्स ऐड कर दिए हैं, जैसे कि सॉन्ग में लिरिक्स थे यहाँ पे उस हिसाब से मैंने यहाँ पे हर एक टेक्स्ट लिरिक्स ऐड कर दिया है यहाँ पे, देखिए। तो अभी मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ यहाँ पे स्टार्टिंग से, ये देखिए कुछ इस तरीके से आप भी भोलेनाथ जी का स्टेटस बना सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर आपका है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और अभी एक काम इसमें और करना है दोस्तों, यहाँ पे स्टार्टिंग में जाना है और ये जो फ़ोटो है ना फर्स्ट में यहाँ पे जो ये साइड साइड में और ये है यहाँ पे, तो इसको हमें इस पर क्लिक करना है और इसे हम फर्स्ट स्टार्टिंग में लेके आएंगे यहाँ पे सबसे ऊपर टॉप पे, ठीक है। तो ये आ चुकी है और इसके नीचे हमारे सारे लिरिक्स हैं, अभी मैं आपको प्ले करके दिखाऊँ, तो ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो अभी इस तरीके से आप भी बना सकते हैं अपने मोबाइल से और अभी हम इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है।